दिल्ली। कहते हैं दिल्ली दिलवालों की है, क्या वाकई में ऐसा है? कुछ ऐसे ही सवाल रोज हमारे सामने आते हैं। हमारी ये फिल्म आपको कुछ ऐसे ही सवालों से रूबरू कराती है। भाई केले कैसे दिए? 40 रुपए दर्जन दिए। महंगा दे रहा है, 30 रुपए लगा लेना, क्या हो गया? 2 रुपए कम दे देना भाई। अरे नहीं नहीं यार, तू बहुत महंगे दे रहा है। चल रहने दे यार, कोई बात नहीं, मैं अपने दुकान वाले से ले लूंगा। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई केले कैसे दिए? 60 रुपए दर्जन है भाई। बाहर तो 40 रुपए मिल रहे हैं। जहाँ से मिल रहे हैं वहाँ से ले लीजिए आप। भाई कुछ कम कर लो यार। भाव जी हमारा फिक्स रेट है, आपको लेना है लीजिए, नहीं तो आप। दो रुपए कम और दे देना भाई। कोई बात नहीं यार, तू 2 दर्जन दे दे। मेरे पास छुट्टी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तू रख ले। और सुन, केले मैं रोज रोज तेरे से ही लेके जाऊंगा, ठीक है ना?
के देवर की शादी है, वहाँ पर जाना है। हम दोनों को बुलाया है उन्होंने, ठीक है? सुन रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? यार कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कुछ नहीं यार, मैं मार्केट गया था। मैं ना अब क्या बताऊँ, मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अजीब ही फील कर रहा हूँ। लोग ऐसे होते हैं जो रेडी पर पटरी पर जो नहीं होते हैं बैठते हैं, जो सामान बेचते हैं, हम उनसे कितनी बार्गेनिंग करते हैं यार, कितना कम करवाते हैं, भैया इतना ज़्यादा रेट है, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, है? और कहीं चले जाते हैं, बड़े बड़े कहीं दुकान पर चले जाते हैं, उनका जो भी रेट होता है हम उसी रेट में खरीद लेते हैं। गलत है, कितना गलत है यार, पता है? बहुत गलत करते हैं हम उन लोगों के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें यार। दिल्ली कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई इन छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वालों को सम्मान से जीने का कोई अधिकार नहीं? मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के बस यही विनती है, नो मार्केटिंग प्लीज।